बीते शनिवार को मंडी शहर में भारी बारिश हुई, जिसके चलते कई घरों, दुकानों व मंदिरों में जल भराव हो गया। लोगों ने इसकी शिकायत नगर निगम मंडी को की, जिसके बाद नगर निगम मंडी के महापौर ने अपनी टीम के साथ घरों दुकानों का निरीक्षण किया। महापौर ने बताया कि लोगों द्वारा नालियों में प्लास्टिक व बोतलें फेंकी जाती है, जिस कारण पानी का सही से निकासी नहीं हो पाती, बाद में यही जल भराव का मुख्य कारण बनता है। इतना ही नहीं, जल शक्ति विभाग द्वारा भी नालियों से पेयजल स्कीमों की पाइपें डाली गई है, ये भी जल भराव का कारण बनती है। उन्होंने कहा कि विभाग को पहले ही सूचित किया गया था, अब फिर से सूचना लिखित रूप में दी गई है। मेयर ने लोगों से कूड़ा कचरा व प्लास्टिक की बोतलें नालियों में न फेंकने का आग्रह किया है। नगर निगम मंडी के महापौर ने कहा कि शहर साफ सुथरा रहे, इसके लिए नगर निगम प्रमुख स्थानों में दो समय साफ सफाई कर रहा है, लेकिन कुछ लोग रात के अंधेरे में भी कूड़ा गलियों में फेंक रहे हैं। केवल सफाई कर्मचारी को ही कूड़ा दें, इधर उधर कूड़ा फेंक कर गंदगी न फैलाएं। उन्होंने कहा कि पिछली बरसात में ब्यास नदी में जलभराव के चलते वही कूड़ा वापस शहरवासियों को मिला, इसीलिए साफ सफाई का ध्यान रखें व खुले में कूड़ा कचरा न फेंकें। शनिवार को रात्रि हुई बारिश के कारण शहर के विभिन्न भागों में बहुत सी शिकायतें आई, जिसमें कई घरों में, कई दुकानों में और मंदिर इत्यादि में जलभराव की शिकायतें मिली। कल हमने उन सभी जगहों का निरीक्षण किया जहाँ जहाँ से भी शिकायतें आई थी, शिकायतों का निपटारा तुरंत कर दिया गया, लेकिन पाया यह गया कि लोगों द्वारा फेंके गए जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक की बोतलें हैं, वही उनमें जो था एक कारण बना। जो बोतलें इत्यादि जो हमारी नगर निगम की या पीडब्ल्यूडी की नालियाँ हैं, उनमें से जल शक्ति विभाग द्वारा जो सीवरेज की और पेयजल की जो सप्लाई है वो लाइनें वहाँ से गई है, और जो बिल्कुल नालियों के बीचों बीच में से गई है, जो कि अवरोध का कारण बना। कल भी हमने निरीक्षण किया और इनको हमने पहले भी बताया था कि इन पाइपों की वजह से ही, जैसे पुरानी मंडी, जागृति अस्पताल और यहाँ शहरी मार्केट के पास हमने निरीक्षण में पाया कि ये पाइपें ही जो मुख्य कारण था, तो हमने इनको एक स्मरण पत्र भी जारी कर दिया है कि इन पाइपों को दुरुस्त किया जाए ताकि लोगों को शुद्ध पेयजल मिले और इस अवरोध की स्थिति से निपटाया पाया जा सके। मेरा सभी से निवेदन रहेगा कि नालियों में गंद इत्यादि ना फेंके ताकि वो हमारे ऊपर दोबारा से ना आए। नगर निगम का काम लोगों की फेंकी हुई गंदगी को ही साफ करना है। नगर निगम अपने स्तर पर कुछ प्रमुख स्थानों में दो समय भी सफाई कर रहा है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो मानते ही नहीं है, जो रात के अंधेरे में भी कूड़ा इत्यादि फेंकते रहते हैं। तो मेरा सभी से निवेदन रहेगा कि नगर निगम के स्वच्छता कर्मी को ही अपना कूड़ा दे, कोई अन्य समस्या है तो आप नगर निगम में आए, मेरे से संपर्क करें, किसी का कूड़ा नहीं उठता है, कोई और समस्या है तो कूड़ा इधर उधर ना रखें, कूड़ा अलग अलग करके स्वच्छता साथी को ही दें, प्लास्टिक इत्यादि भी स्वच्छता साथी को दें, नालियों में ना फेंके। आपने पिछली बरसात में भी देखा कि ब्यास नदी और हमारे खड्ड का जल स्तर बढ़ जाने के कारण जो भी हमने कूड़ा फेंका था वही कूड़ा हमें वापस मिला।